गुड इवनिंग साथियों, मैं केसी चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी विद सिविल बॉडी में। गुड नाइट सर जी। जितेंद्र जी, गुड नाइट आने वाली है या जाने वाली है? नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर, बलविंदर, अरुण, मोहनलाल, लेट हो गए हो। हाँ, क्लास थोड़ी लेट शेड्यूल हुई। चलो, हेलो सर, MRS, गुड इवनिंग सविता, गुड इवनिंग कानाराम, गुड इवनिंग रोहित, गुड इवनिंग रणवीर, गुड इवनिंग पूजा, शुभरात्रि राहुल, गुड इवनिंग रीना, नमस्कार सतीश, गुड इवनिंग अनिल। रुद्र सम्मेलन कब हुआ सर, प्लीज़ बता दीजिए। हुड़ा सम्मेलन कब हुआ? अच्छा, वो मैं देख के बता दूंगा एक बार ना, मेरे को अभी याद नहीं है। हुड़ा सम्मेलन हुआ था, इतिहास में आता है। चलो, राम राम MRS, गुड इवनिंग विजेंद्र, नमस्ते मयंक, रिस्की, हेलो सर, गुड इवनिंग अनामिका, गुड इवनिंग RSR, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग विनय, हाय विजेंद्र, गुड इवनिंग नाव्या। हाँ, चलो, हाँ, गुड इवनिंग नव्या। चलो, होड़ा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को, बहुत बढ़िया, 17 जुलाई 1734 को। ललित कुमार शुक्ला, शुक्ला जी जो मैं आपको सोच रहा हूँ, आप वही वाले शुक्ला जी हो क्या? शुक्ला जी, क्या मैं आपको जानता हूँ? सरोज गुर्जर, हेलो सर। चलो, हाँ नव्या, मैंने देख लिया आप भी हो, मैंने गुड इवनिंग कर दी, आपका नाम ले दिया, नव्या भी हैं, नव्या भी हैं, देख लो बच्चों, नव्या हैं, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग पंकज, गुड इवनिंग सुरेश। चलो स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे गुड इवनिंग हो गई, अब स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ चलो, बहुत बढ़िया शुक्ला जी। चलो शुरू करते हैं मोर्टार, शुरू करते हैं मोर्टार से। तो देखो, मोर्टार और लाइम, मोर्टार और लाइम, हाँ चलो ठीक है, मोर्टार और लाइम। तो मोर्टार सबसे पहले क्या आता है? मोर्टार। मोर्टार होता क्या है? जब भी हम क्या करें सीमेंट में, सीमेंट या लाइम में, और हम क्या कर देते हैं, सैंड मिला देते हैं, सैंड या फिर उसकी जगह पे सुर्खी मिला देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो मोर्टार बन जाता है। कुल मिला के बात ये है कि जिससे हम प्लास्टर करते हैं, आपने देखा होगा जब ब्रिक की मशीनरी बनाई जाती है, ब्रिक की मशीनरी, ये ब्रिक है, ये आपने दीवार बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एक वॉल बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, वॉल बना रहे हैं। तो इसके बीच में ये जो फिल किया जाता है, इनको ज्वाइंट करने के लिए, ब्रिक मशीनरी में चिनाई के लिए। ओके शुक्ला जी, चलो ठीक है। तो इनमें चिनाई करते समय जो यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोर्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइंडिंग मटेरियल जो यूज करते हैं, मोर्टार बोलते हैं, ठीक है। अब ये मोर्टार बनता कैसे है? तो देखो, सीमेंट होता है या फिर उसकी जगह पे लाइम हो सकता है। अगर हम लाइम मोर्टार बना रहे हैं तो लाइम होगा, अगर सीमेंट मोर्टार बना रहे हैं तो सीमेंट होगा, ठीक है। उसके साथ में सैंड मिला दो, फाइन एग्रीगेट, सैंड या फाइन एग्रीगेट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके साथ में सैंड मिला सकते हैं, ये सैंड की जगह पे कभी कभी सुर्खी भी यूज में लेते हैं। सुर्खी क्या होता है? जो ईंटों का क्या होता है, बुरादा, ईंटों का पाउडर फॉर्म में ईंट होती है, ठीक है, रेड कलर का पाउडर फॉर्म में ईंट होती है, उसको सुर्खी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, सुर्खी बोलते हैं। तो फाइन एग्रीगेट या सैंड बोलते हैं, उसको हम सीमेंट के साथ में अगर मिला दें तो क्या बन जाएगा मोर्टार। और इसी में हम क्या मिला दें,
कोर्स एग्रीगेट और मिला दें, कोर्स एग्रीगेट और मिला दें तो क्या बन जाएगा, कंक्रीट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कंक्रीट बन जाएगा। ठीक है, तो मोर्टार क्या होता है, सीमेंट में फाइन एग्रीगेट या सैंड मिला दो तो वो मोर्टार होता है, और इसी में कोर्स एग्रीगेट और मिला दो, ठीक है, कोर्स एग्रीगेट और मिला दो तो क्या बन जाएगा, वो कंक्रीट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कंक्रीट बन जाएगा। चलो अब सीमेंट और लाइम मिला करके क्या बन गया, मोर्टार बन गया। तो सीमेंट किसकी तरह यूज होता है, बाइंडिंग मटेरियल की तरह, ठीक है, सीमेंट क्या करता है, बाइंडिंग का काम करता है, बाइंडिंग का काम करता है, ठीक है, क्या करता है, बाइंडिंग का काम करता है, और फाइन एग्रीगेट या सैंड क्या करता है, एडल्ट्रेंट या मैट्रिक्स का काम करता है। मतलब क्या करता है, इसका वेट बढ़ाना है हमें, अगर हम खाली सीमेंट यूज करेंगे तो क्या होगा, उसका कॉस्टली बहुत आएगी, कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, प्लस उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी नहीं आएगी, तो ये स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। देखो डायरेक्टली ये स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम नहीं करता, लेकिन इसमें क्या होता है, ये इसकी वॉल्यूम बढ़ा देता है, प्लस कुछ ना कुछ ये बाइंडिंग में भी हेल्प कर देता है, ठीक है, तो स्ट्रेंथ बढ़ा देता है ये कहीं ना कहीं। चलो ब्रिक मोर्टार का साइज कितना होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, हाँ। चलो अब आता है सैंड टाइप, कौन कौन सैंड टाइप होते हैं, तो पिट सैंड, रिवर्स सैंड या सी सैंड, पिट सैंड, रिवर्स सैंड या सी सैंड। पिट सैंड क्या होता है, आपने क्या किया, एक वो लिया, एक कोई भी एरिया मान लो, ठीक है, कोई भी एक एरिया ले लिया, उसमें से ऊपर वाली जो मिट्टी है, जो गंदी मिट्टी है उसको हटा दो, और नीचे की से खुदाई करके एक गड्ढा खोद लो। क्या किया आपने, एक कोई फील्ड है वहां आपने क्या कर दिया, एक गड्ढा कर दिया, ठीक है, फील्ड था यहाँ पे, एक गड्ढा कर दिया, और गड्ढे में से जो मिट्टी निकली उसको क्या यूज कर लिया हमने, सैंड की तरीके से यूज कर लिया, उसको हमने सैंड की तरह से यूज कर लिया, तो वो क्या हो गया, पिट सैंड हो गया। पिट का मतलब क्या होता है, गड्ढा, ठीक है, तो वो क्या होता है, पिट सैंड होता है, क्या होता है, पिट सैंड। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, पंकज सर आप अमित सर की तरह बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पिट सैंड होता है, अब पिट सैंड के बाद क्या आता है, रिवर्स सैंड। रिवर्स सैंड क्या होती है, जो भी नदियों के किनारे मिट्टी मिलती है वो क्या होती है, रिवर्स सैंड होती है, ठीक है। बाद क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बालू बोला जाता है ना, बालू बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी नदी जा रही है, चंबल नदी है या फिर गंगा जी है या यमुना जी है, कोई भी है, तो वहां से हम क्या करते हैं, नदियों के किनारे से, नदियों के पास से मिट्टी ले लेते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं ना वो होता है खनन, बालू खनन भी होता है, खनन होता है ना, जो अलाउड नहीं होता यहाँ से मिट्टी निकालना, फिर भी हम मिट्टी निकाल लेते हैं, तो उसको खनन बोलते हैं, ठीक है। तो वो खनन करके जो मिट्टी निकल रही है वो क्या है, वो सैंड ही है, वो क्या है, सैंड है। इसके अलावा एक क्या होता है, सी सैंड होता है। सी सैंड यानी कि समुद्र के किनारे से ले लो, समुद्र के किनारे से आप अगर जो क्या ले रहे हो, मिट्टी ले रहे हो, तो वो क्या है, सी सैंड है। लेकिन सी सैंड क्या होती है, नुकसानदायक होती है, उसका हम यूज नहीं करते। मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि इसका यूज, जब तक बहुत ज्यादा मतलब हमारे पास कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो ना, तब तक हम इसका यूज नहीं करते, ठीक है। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं जो क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके और फिर एफ्लोरेसेंस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एफ्लोरेसेंस। और एफ्लोरेसेंस क्या होता है, वो हमने कल हमने ब्रिक्स में देखा था एफ्लोरेसेंस क्या होता है। तो एफ्लोरेसेंस नहीं हो और डैम्पनेस नहीं आए, इसलिए हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि सी सैंड का यूज नहीं हो, ठीक है, सी सैंड का यूज नहीं हो। अब इसमें बताया कलर कैसा होता है, कलर तो रिवर्स सैंड जो निकलती है उसका कलर होता है व्हाइट। पिट सैंड का कोई फिक्स कलर नहीं है, ठीक है, जो मिट्टी होता है नॉर्मल वैसी कलर होता है। और सी सैंड का कैसा होता है, लाइट ब्राउन होता है। ग्रेन शेप देख लेना, ग्रेन शेप, पिट सैंड वाले के ग्रेन कैसे होते हैं, एंगुलर होते हैं, और बाकी दोनों के रिवर और सी वाले के कैसे होंगे, राउंड होंगे। रिवर और सी वाले कैसे होंगे, राउंड क्यों हो गए, क्योंकि ये पानी से लगातार टकराते हैं, तो पानी से टकराने की वजह से इनकी शेप कैसी हो जाती है, राउंडेड हो जाती है। पार्टिकल की शेप कैसी हो जाती है, राउंडेड हो जाती है, ठीक है, पार्टिकल की शेप राउंडेड हो जाती है, क्या हो जाती है, राउंडेड हो जाती है। तो हमने ये कैसे देख लिया, कौन कौन से टाइप के सैंड होते हैं, ठीक है। पिट सैंड मतलब कि कोई भी खेत होता है, आपने देखा होगा कई बार खेतों में से क्या करते हैं, ऊपर की मिट्टी हटा करके और गड्ढे कर देते हैं, वहां से मिट्टी निकाल लेते हैं, वो पिट सैंड हो जाती है। रिवर सैंड नदी के किनारे और सी सैंड समुद्र के किनारे, ठीक है। चलो अब आता है बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है। जब भी हम सैंड है बालू है मिट्टी, उसमें हमने क्या किया, पानी मिलाया, उसमें मॉइस्चर आ गया, ठीक है, हल्का सा हमने पानी मिलाया या मॉइस्चर आया,
तो वो मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, सैंड क्या थी, सैंड यहां पे थी, ठीक है, उसका नॉर्मल वॉल्यूम था, नॉर्मल वॉल्यूम था, लेकिन हमने हल्का सा भी उसमें पानी मिलाया तो हल्का से पानी मिलाने की वजह से क्या होगा, वो बढ़ेगा, उसकी वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, जितना जितना हम पानी मिलाते जाएंगे वॉल्यूम क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, और फिर थोड़े टाइम बाद क्या होगी, वो वॉल्यूम घटने लगेगी, ठीक है, वॉल्यूम घटने लगेगी, मतलब नॉर्मल जितनी हो गई एक बार बढ़ के उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो ये कितनी होती है, तो ये ध्यान रखना 5% पे मैक्सिमम होती है, 5% मॉइस्चर, 5% मॉइस्चर मिलाने पे बल्किंग ऑफ सैंड मैक्सिमम होती है, 5% मॉइस्चर मिलाने पे बल्किंग ऑफ सैंड मैक्सिमम, बल्किंग ऑफ सैंड मैक्सिमम, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बल्किंग ऑफ सैंड मैक्सिमम कब होती है, 4 से 5%, 4 से 5% मॉइस्चर मिलाने पे बल्किंग ऑफ सैंड मैक्सिमम होती है, और कितनी होती है, कितनी होती है, 30 से 35%, 30 से 35% लगभग हो जाती है, यानी कि 30 से 35% तक वॉल्यूम बढ़ जाती है, 30 से 35% तक वॉल्यूम बढ़ जाती है, किसकी, सैंड की, ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है सैंड की, और फिर बाद में क्या हो जाने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। इसका मतलब क्या है कि अगर सैंड ड्राई है, ड्राई सैंड है, तो ड्राई सैंड में भी क्या होगी, जीरो होगी, लगभग जीरो के बराबर होगी, और सैंड कंप्लीटली फ्लडेड है पानी से, ठीक है, पानी से भरी हुई है, सैंड में क्या है, पानी है, पानी में डूबी हुई रेत है, तो उसकी भी क्या हो जाएगी, लगभग जीरो आ जाएगी, लगभग क्या आ जाएगी, जीरो ही आ जाएगी। तो प्रैक्टिकली इनकी सेम होती है वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि ड्राई सैंड में और सैंड कंप्लीटली फ्लडेड विद वाटर में क्या हो जाती है, सैंड कंप्लीटली फ्लडेड वाटर है और ड्राई सैंड है, दोनों की क्या होती है, सेम बल्किंग होती है, ठीक है, सेम वॉल्यूम होती है, क्या होती है, सेम वॉल्यूम होती है, बल्किंग होता क्या है, मॉइस्चर इन सैंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सैंड, ठीक है, मॉइस्चर इन सैंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सैंड, क्यों बढ़ा देता है, क्योंकि मॉइस्चर फिल्म बन जाती है, मॉइस्चर की फिल्म बन जाती है सैंड पार्टिकल के अराउंड, यानी कि ये सैंड के पार्टिकल हैं, ये सैंड के पार्टिकल हैं, ये सैंड के पार्टिकल हैं, अब हमने क्या कर दिया, अब हमने क्या कर दिया, इसमें पानी मिला दिया, इसमें पानी डाल दिया, तो वो पानी यहां पे आ जाएगा, पानी यहां पे आ जाएगा, तो ये सैंड के पार्टिकल्स है ना, इनका आपस में कांटेक्ट टूट जाएगा, और पानी की आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, पानी आया है, कुछ मिलाया है, तो उसकी क्या होगी, वॉल्यूम बढ़ती है, वॉल्यूम एकदम से बढ़ेगी, सैंड की इनके चारों तरफ फिल्म बन जाती है पानी की, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी, और फिर क्या होता है, जब वॉल्यूम बढ़ती है, फिर एक टाइम पे जाकर के, एक टाइम पे जाकर के ये जो फिल्म है ये टूटने लगती है, फिल्म क्या हो जाती है, टूट जाती है, और ये वापस से सैंड आपस में, सैंड पार्टिकल आपस में मिल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सैंड पार्टिकल आपस में जाकर के मिल जाते हैं, और फिर ये डिक्रीज होने लगती है, फिर ये डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। तो जितना ज्यादा फाइन सैंड होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, इंक्रीज इन वॉल्यूम होगी। आप देख सकते हो फाइन सैंड का ये ग्राफ है, ये मीडियम सैंड का है और ये कोर्स सैंड का है, जितनी ज्यादा फाइन सैंड होगी उतनी ज्यादा बल्किंग होगी, ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है, क्या है, जितनी ज्यादा फाइन सैंड होगी उतनी ज्यादा बल्किंग होगी। तो आपको इसमें चार क्वेश्चन मेन है, चार क्वेश्चन बन गए क्या, एक तो बल्किंग ऑफ सैंड क्या होती है, बल्किंग ऑफ सैंड क्या होती है, बल्किंग ऑफ सैंड होती क्या है, पहला क्वेश्चन, बल्किंग ऑफ सैंड होती क्या है, दूसरा किसकी ज्यादा होती है, तो फाइन की ज्यादा होती है, फाइन सैंड की बल्किंग ज्यादा होती है, ठीक है, तीसरा कितने कितने परसेंट मॉइस्चर पे मैक्सिमम होती है, तो 4 से 5% पे, 4 से 5% पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और उसके बाद मैक्सिमम कितनी होती है, तो लगभग 30 से 35% तक वॉल्यूम बढ़ती है, कितनी वॉल्यूम बढ़ती है, 30 से 35% तक वॉल्यूम बढ़ती है। तो ये ओवरऑल क्या है, बल्किंग ऑफ सैंड है, और इस पे ये चार क्वेश्चन बनते हैं, और चार में से एक आध क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, ठीक है, पूछ ही लिया जाता है, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, सैंड में मोर्टार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बल्किंग ऑफ सैंड ही है, सैंड और मोर्टार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बल्किंग ऑफ सैंड है, इसमें ये बता रखा है, क्या है, ये सैंड है, फिर क्या हुआ, इसमें पानी मिला दिया, सैंड और वाटर मिलाने के बाद क्या हो गई, वॉल्यूम इसकी बढ़ गई, वॉल्यूम ऑफ इसकी बढ़ गई, ठीक है, वॉल्यूम इसकी बढ़ गई। अब क्या होता है, देखो बल्किंग ऑफ सैंड की वजह से वॉल्यूम में फर्क आ रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रही है, इसलिए हम जब भी सैंड को लेते हैं तो बाय वॉल्यूम नहीं लेते, जब भी हम सैंड का प्रोपोर्शन लेते हैं, सीमेंट सैंड का जब भी हम प्रोपोर्शन लेते हैं, वो बाय वॉल्यूम नहीं लेते, क्या लेते हैं, बाय वेट लेते हैं, क्या लेते हैं, बाय वेट, बाय वेट लेते हैं, क्या, सीमेंट सैंड का प्रोपोर्शन, सीमेंट सैंड का प्रोपोर्शन जब भी लिया जाता है ना, सीमेंट सैंड कितनी सैंड मिलाई जाएगी इसमें सीमेंट में, तो क्या लेते हैं, बाय वेट लेते हैं, बाय वॉल्यूम नहीं लेते, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो जाती है, वॉल्यूम चेंज हो जाती है लेकिन वेट चेंज नहीं होगा, वेट उतना ही रहेगा, इसीलिए क्या होता है,
इसलिए हम क्या करते हैं, बाय वेट लेते हैं, बाय वॉल्यूम नहीं लेते। ध्यान रखना ये बात भी, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। क्या पूछेगा कि हम बाय वेट लेंगे या बाय वॉल्यूम लेंगे, तो क्या लेंगे, बाय वेट लेंगे। हाँ चलो, अब सैंड के फंक्शन क्या होते हैं, सैंड का फंक्शन क्या होता है मोर्टार में, तो पहली बात क्या होती है, बल्किंग कर रही है। क्या कर रही है, बल्किंग कर रही है, यानी कि सैंड क्या कर रही है, वॉल्यूम बढ़ा रही है। वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्या होगा, हमें कम मटेरियल यूज करना पड़ेगा, कम मटेरियल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मटेरियल बच जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, इसलिए क्या हो जाता है, मटेरियल बच जाता है, मटेरियल कम यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करती है, ये बल्किंग करती है। दूसरा सेटिंग, सेटिंग में भी क्या करती है, सेटिंग में भी क्या करती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है, वॉइड से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है। और इसीलिए क्या करते हैं, फैट लाइम में सेटिंग में हेल्प करती है। अगर हम लाइम मोर्टार बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, लाइम मोर्टार बना रहे हैं, अगर हम लाइम मोर्टार बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम लाइम मोर्टार बना रहे हैं, तो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वॉइड से एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर क्या करती है, ये सेटिंग में हेल्प करती है फैट लाइम के। तो इसीलिए ये सेटिंग में भी काम करती है। सिंकेज को क्या करती है, एक्सेसिव करती है, मतलब सिंकेज से बचाती है, सिंकेज से बचाती है, क्या करती है, सिंकेज से बताती है, प्रिवेंट करती है सिंकेज से, ठीक है, प्रिवेंट करती है। उसके बाद स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ भी क्या करती है, ये बढ़ाती है, क्रशिंग स्ट्रेंथ को, और रेजिस्टेंस करती है, मतलब क्रशिंग से बचाती है, यानी कि क्रशिंग स्ट्रेंथ बढ़ा देती है। क्या करती है, क्रशिंग स्ट्रेंथ बढ़ा देती है। मेन फंक्शन यही है, एक तो प्रिवेंट करती है सिंकेज से, और दूसरा क्या है, बल्किंग करवाती है, बल्किंग करवाती है, मास को बढ़ा देती है, ठीक है। तीसरा क्या है, और देखो क्या है, सरफेस एरिया ही बढ़ा देती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है बाइंडिंग मटेरियल का, ठीक है, सरफेस एरिया भी बढ़ा देती है, ठीक है, क्या कर देती है, सरफेस एरिया भी बढ़ा देती है। चलो, जब बल्किंग होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आते हैं टेस्ट फॉर सैंड, सैंड के लिए टेस्ट कौन कौन से होते हैं, सैंड के लिए टेस्ट कौन कौन से होते हैं, सैंड के लिए टेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पानी में हमने सैंड डाल दी, पानी में हमने सैंड डाल दी, और उसको अच्छे से मिला दिया। पानी में हमने सैंड डाल दी, मतलब हमने क्या किया, एक ग्लास लिया, उसमें पानी है, क्या है, पानी है। अब उसमें हमने क्या कर दी, सैंड डाल दी, सैंड के पार्टिकल डाल दिए, ये मान लो सैंड के पार्टिकल है, ये सैंड के पार्टिकल है, ये डाल दिए हमने, ठीक है, यानी कि सैंड हमने डाल दी पानी में। अब पानी में सैंड डाल देंगे तो सैंड क्या होती है, भारी होती है, तो सैंड क्या कर देगी, सैंड क्या करेगी, नीचे सेटल हो जाएगी, सैंड क्या कर देगी, सेटल हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें क्या होंगे, क्ले के पार्टिकल होंगे, क्ले के पार्टिकल होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो एक अलग लेयर बना देंगे, वो एक अलग लेयर बना देंगे। और हमें सैंड चाहिए, सैंड और क्ले में फर्क होता है। शुक्ला जी, क्लास के बाद तो थोड़ा लेट हो जाएगा, मैं कल करता हूँ, ठीक है, कल करता हूँ आपको कॉल, कल सुबह करता हूँ, चलो, ठीक है। तो क्या है, ग्लास में हमने पानी डाला, ठीक है, हमें क्या करनी है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट क्या कर दी हमने, डाल दी, शेक कर दिया, शेक करने के बाद में सेटल होने दिया, सेटल होने दिया, तो क्या होगी, सैंड तो सेटल हो जाएगी, लेकिन क्ले सेटल नहीं होगी, क्ले सेटल नहीं होगी, क्ले की एक अलग लेयर बन जाएगी। तो क्ले को हम हटा देंगे, क्ले को हम हटा देंगे। बुलबुल जी आ गई, बहुत बढ़िया, नमस्ते यूपी वाले आपको सब पहचानने लग गए बुलबुल जी। चलो, सैंड, सैंड प्लस, अब देखो क्या करते हैं हम, सैंड में कॉस्टिक सोडा, या फिर क्या कर देते हैं, कॉस्टिक सोडा, या फिर हम NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिला देते हैं, और फिर उसको मिला देते हैं स्ट्रेट, मतलब कि हमने क्या किया, हमने सैंड के साथ में कॉस्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया, और फिर एक क्या ले ली, चम्मच टाइप से ले ली, चम्मच टाइप से उसको मिला दिया, ठीक है, चम्मच टाइप से मिला दिया। अगर इसका कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, क्या है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, ठीक है, क्या है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। कितनी क्लास मिस हो चुकी है, कितनी क्लास मिस हो चुकी है मेरी, तो देखो, दो ब्रिक की हो गई और एक स्टोन की हो गई, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। चलो, फिर उसके बाद में प्रेजेंस ऑफ सैंड सॉल्ट, ठीक है, सैंड में सॉल्ट है कि नहीं, सैंड में सॉल्ट है कि नहीं, तो वो कैसे चेक करोगे, वो कैसे चेक करोगे, तो आप क्या करो, सैंड लो और सैंड को चख लो, सैंड को चख लो, ठीक है, टेस्ट कर लो, अगर नमक होगा, सॉल्ट होगा, तो वो आपको पता चल जाएगा,
ठीक है, नमक का आपको कैसे पता चलेगा, सैंड लो उसको चख लो, अगर नमक होगा तो टेस्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो टेस्टिंग से हम इसका सॉल्ट का पता कर सकते हैं। फिर उसके अलावा क्या कर सकते हैं, सैंड को मिट्टी, सैंड को लो और सैंड को क्या करो, सैंड को ऐसे हाथों में लेकर के रब करके देखो, रब करके देखो, अगर उसमें फालतू की मिट्टी होगी, सैंड होगी, तो सैंड तो क्या होती है, सैंड को अगर ऐसे रब करोगे और छोड़ोगे तो हाथ साफ मिलेंगे, लेकिन अगर उसमें मिट्टी होगी तो मिट्टी आपसे चिपक जाएगी हाथों से, मिट्टी क्या होगी, हाथों से चिपक जाएगी, और सैंड क्या होगी, सैंड क्या होगी, सैंड क्या होगी, सैंड हट जाएगी, ठीक है, सैंड हट जाएगी। फिर आता है क्या, फाइननेस। फाइननेस कैसे निकालते हैं, तो फाइननेस के लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी प्रोसेस होती है, जैसे सीव एनालिसिस, सीव एनालिसिस कर सकते हो आप, ठीक है, सीव एनालिसिस से फाइननेस निकाल सकते हो, ठीक है, सीव एनालिसिस से निकाल दोगे। अब सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं सैंड के, सैंड की जगह पे हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं, सैंड की जगह पे हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, स्टोन स्क्रबिंग यानी कि पत्थर का चूरा, पत्थर का यूज कर सकते हैं, क्ले या सुरखी, बर्न क्ले या सुरखी, बर्न क्ले भी तो क्या हो गई, बर्न क्ले भी तो वही हो गई, ईटी तो हो गई, बर्न क्ले क्या हो गई, ईट हो गई, ठीक है। हाँ देखो उसमें हम चेक कर रहे हैं सॉल्ट है कि नहीं है, तो ऐसे नहीं कि खाना है, ठीक है, खाना नहीं है उसको, हल्का सा इतना सा पार्ट लेकर के, ठीक है, और क्या करते हैं, चख लेते हैं, जीप पे रख लो, हल्का सा जीप पे रख लो और फिर थूक दो बाद में, उसको खाना नहीं है, ठीक है, खाओगे तो पथरी हो जाएगी, स्टोन हो जाएगी पेट में, तो खाना नहीं है उसको, हल्का चखना है, तो चखने से अगर उसका टेस्ट कैसा आ रहा है, नमकीन आ रहा है, तो क्या जाएगा, उसमें नमक प्रेजेंट है, ठीक है। तो बर्न क्ले या सुर्खी या स्टोन स्क्रबिंग, ठीक है, या फिर कोयले के एशेज, कोयले के जो होते हैं ना, कोयले के ऐश होते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, या कॉक डस्ट होती है, इनको हम यूज कर सकते हैं, किसकी जगह पे, सैंड की जगह पे, सैंड की जगह पे यूज कर सकते हैं। और सुर्खी हम मोस्टली यूज करते हैं, सुर्खी क्या है, मोस्ट पॉपुलर है इनमें, सुर्खी क्या है, मोस्ट पॉपुलर है, सुर्खी ज्यादा यूज होती है, सुर्खी क्या होती है, ईंट का बुरादा, ईंट है, ईंट को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ईंट जो होती है ना उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो क्या हो जाएगी, वो सुर्खी बन जाएगी, ठीक है। इससे क्या होता है, सुर्खी क्यों यूज लेते हैं, ये स्ट्रेंथ बढ़ाती है, स्ट्रेंथ बढ़ाती है और हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी को भी बढ़ाती है, मोर्टार की हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी बढ़ा देती है और स्ट्रेंथ भी इंपार्ट करती है, ठीक है, स्ट्रेंथ भी इंपार्ट करती है, लेकिन इसका एक नुकसान है, इसका एक नुकसान है, इसको हम एटमॉस्फेरिक, मतलब जहां पे एटमॉस्फेयर इफेक्ट आता है, यानी सीधे बारिश वगैरह पड़ रही हो वहां पे, या फिर जहां पे डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में हो वहां पे यूज नहीं करते, वहां पे डायरेक्ट यूज नहीं करते, क्योंकि ये क्या होती है, एयर के कांटेक्ट में आने पे या ह्यूमिडिटी होने पे, कहीं ह्यूमिडिटी होगी या एयर का कॉन्टेक्ट होगा तो वहां पे क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है, यानी कि वो जड़ने लगेगी, जड़ने लगेगी। तो आपने क्या किया, घर बना दिया, घर में दीवार पे क्या कर दिया, इसका इसका प्लास्टर कर दिया, सुर्खी मिला के, सैंड की जगह पे सुर्खी मिला के प्लास्टर कर दिया, तो वो प्लास्टर क्या होगा, जड़ने लगेगा, और जड़ने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, खराब लगेगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट ऐसी जगह पे यूज नहीं करते जहां पे एयर का एक्शन आ रहा हो या ह्यूमिडिटी हो, तो हम इसीलिए एक्सटर्नल प्लास्टर में या पॉइंटिंग वर्क में इसका यूज नहीं करते, ठीक है, एक्सटर्नल प्लास्टर में या पॉइंटिंग वर्क में हम इसका यूज नहीं करते, ठीक है। चलो अब मोर्टार का क्लासिफिकेशन है, मोर्टार का क्लासिफिकेशन है, मोर्टार को अलग अलग हिसाब से बांटा गया है, ठीक है, अलग अलग हिसाब से बांटा गया है, हाँ चलो ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मोर्टार, क्लासिफिकेशन ऑफ मोर्टार, तो मोर्टार क्लासिफिकेशन बल्क डेंसिटी के हिसाब से, बल्क डेंसिटी के हिसाब से हैवी या लाइट वेट मोर्टार, ठीक है, अगर बल्क डेंसिटी 15 या 15 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब से ज्यादा आ रही है इसकी, सैंड की या मोर्टार की, ठीक है, मोर्टार की अगर बल्क डेंसिटी 15 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब से ज्यादा आ रही है तो क्या है, हैवी मोर्टार है, और अगर 15 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से पर मीटर क्यूब से कम आ रही है, ठीक है, 15 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब से कम आ रही है तो क्या होगी, लाइट वेट होगा, क्या होगा, लाइट वेट होगा, मोर्टार कैसा होगा, लाइट वेट मोर्टार होगा। अब उसके बाद बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल के हिसाब से, बाइंडिंग मटेरियल के हिसाब से अगर आपने लाइम यूज किया है, लाइम यूज किया है तो लाइम मोर्टार होगा, सीमेंट यूज किया है तो सीमेंट मोर्टार होगा, ठीक है, आपने अगर लाइम मोर्टार यूज किया है तो लाइम, अगर लाइम यूज किया है, लाइम कौन सा, फैट लाइम या हाइड्रोक्लोरिक लाइम होता है, फैट लाइम या हाइड्रोक्लोरिक लाइम होता है, अगर हमने लाइम यूज किया है तो क्या होगा, लाइम मोर्टार होगा, अगर हमने सुर्खी यूज की है, ठीक है, सुर्खी यूज की है किसकी जगह पे, सैंड की जगह पे, ठीक है, सैंड की जगह पे अगर हमने सुर्खी यूज कर ली तो क्या होगा, वो सुर्खी मोर्टार हो जाएगा, सुर्खी मोर्टार हो जाएगा।
अब या तो ऐसा हो सकता है कि हमने पूरा ही सेंड यूज नहीं की, सेंड यूज नहीं की और सेंड की जगह पे हमने क्या कर दिया, पूरी ही सुर्खी यूज कर दी, या हो सकता है कि हमने आधी सेंड यूज की आधी सुर्खी यूज की। ठीक है, तो ये दोनों ही केस में क्या कहलाएगा, सुर्खी मोटा कहलाएगा। लाइम मोटा जो होता है उसमें लाइम दो टाइप के होते हैं, फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम, फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम। ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम कहाँ यूज होगा, जहां पे पानी में स्ट्रक्चर बना रहे हैं, पानी में जहां स्ट्रक्चर बनाएंगे वहां हाइड्रोलिक लाइम यूज होगा, और जहां पे नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहे हैं वहां पे फैट लाइम यूज होगा। पानी वाले एरिया में इसको यूज नहीं करेंगे, पानी वाले एरिया में इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो एक नोट भी है, नोट क्या कह रहा है, नोट क्या कह रहा है, नोट ये कह रहा है कि पाउडर फॉर्म जो होगा सुर्खी का वो क्या होता है, बहुत फाइन होता है। क्या होता है, फाइन होना चाहिए। कितना फाइन होना चाहिए, कि रेसिड्यू 10% से ज्यादा नहीं बचना चाहिए जब हम 9 नंबर की सीव से उसको क्या करेंगे, पास करेंगे। जब हम 9 नंबर की सीव से उसको पास करेंगे, किसको, सुर्खी को, तो 10% से ज्यादा उसके ऊपर नहीं बचना चाहिए, 10% से ज्यादा उसके ऊपर नहीं बचना चाहिए। ठीक है ना, 10% से ज्यादा उसके ऊपर नहीं बचना चाहिए। चलो अब आता है तीसरा, क्या हमने लाइम मोर्टार देख लिया, लाइम मोर्टार देख लिया, फिर सुर्खी मोर्टार देख लिया, फिर क्या आता है, सीमेंट मोर्टार। अगर हम क्या कर रहे हैं, सीमेंट यूज कर रहे हैं, लाइम की जगह पे हम सीमेंट यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, सुर्खी भी इतना इंपॉर्टेंट है जितनी सैंड है सर। देखो नॉर्मली केस में हम सैंड यूज करते हैं, नॉर्मली केस में हम सैंड यूज करते हैं, लेकिन आजकल क्या होता है, क्योंकि देखो आपको पता है मिट्टी का खनन हो रहा है, ठीक है, सैंड का खनन हो रहा है, इसी के लिए सैंड का खनन हो रहा है, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं कि जो हमारा वेस्टेज हो और वेस्टेज की जगह पे हम उसका क्या कर लें, यूज कर लें। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इकोनॉमिकल बनाना है बिल्डिंग को, तो ऐसा कुछ करो कि जो कहीं पे वेस्ट हो रहा हो, जैसे क्या होता है, ईंट बन रही है, ईंट के भट्टे होते हैं, तो वहां पे क्या है, कुछ ईंटें खराब हो जाती हैं, कुछ ईंटें कच्ची होती हैं, वो खराब हो जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उनको पाउडर फॉर्म में यूज कर लो। ठीक है, तो इसलिए ये नई टेक्नोलॉजी है जिसमें इसका यूज हो रहा है, पुराने टाइम से हमेशा, आज भी अगर अपन घर बनाते हैं तो सैंड यूज करते हैं, हमने सुर्खी का नहीं देखा कभी। ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, नया सिस्टम बन के आ रहा है ताकि उसका यूज, सैंड का यूज कम हो, सैंड पे डिपेंडेंसी कम हो जाए, और उसकी जगह हम क्या यूज कर लें, सुर्खी यूज कर लें, या फिर जो पत्थर होते हैं उनका चूरा यूज कर लें। ठीक है, या फिर जो कोयले वगैरह होते हैं ना, कोयले के जहां से निकलते हैं, जहां पे यूज करते हैं, उनके ऐश यूज कर लें। ठीक है, तो ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं जो वेस्टेज हो, ये सारी चीजें क्या है, वेस्टेज ही तो है, सुर्खी हुई, कोल ऐश हुआ, ठीक है, ये सब क्या है, ये वेस्टेज है, तो इससे क्या होता है, ये यूज में भी आ जाते हैं, बिल्डिंग भी हमारी बढ़िया बन जाती है और कॉस्ट भी कम पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए हम यूज करते हैं सुर्खी, बाकी मोस्टली सैंड ही यूज की जाती है। ठीक है, बाकी मोस्टली सैंड यूज की जाती है। ठीक है, अब सीमेंट मोर्टार में प्रोपोर्शन क्या रखते हैं, सीमेंट सैंड का 1:2 से लेकर के 1:6 तक रखा जाता है, 1:2 से लेकर के 1:6 तक रखा जाता है। सीमेंट मोर्टार मतलब कि हमने सीमेंट यूज किया है तो क्या हो जाएगा, सीमेंट मोर्टार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सीमेंट के साथ में सुर्खी और सेंडर यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट नहीं होते, केमिकली इनर्ट नहीं होते। हाँ ठीक है, ग्रीन इंडिया, चलो क्या होता है, केमिकली इनर्ट नहीं होते, केमिकली इनर्ट नहीं होते मतलब कि ये रिएक्शन कर देते हैं, ये क्या कर देते हैं, सीमेंट के साथ मिलकर के रिएक्शन कर देते हैं। अब ये क्योंकि सुर्खी और सिंडर ये क्या करते हैं, सैंड के साथ मिलकर, वो सीमेंट के साथ मिलकर रिएक्शन कर देते हैं, इसलिए इनको यूज नहीं करते हम, इसलिए हम इसका यूज सीमेंट के साथ में नहीं करते। ठीक है, अब आता है क्या, गॉज मोर्टार, गॉज मोर्टार में क्या होता है, हमने सीमेंट भी लिया, थोड़ा लाइम भी लिया और थोड़ा सा सैंड लिया, यानी कि सीमेंट और लाइम हमने दोनों यूज किए हैं, बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे सीमेंट और लाइम यूज किए हैं। ठीक है, अच्छा इसमें सैंड नहीं होता, सैंड नहीं होता, इसमें सीमेंट और लाइम का क्या मिलके बना रहे हैं, मोर्टार, सीमेंट और लाइम को मिलाकर के हम क्या बना रहे हैं, मोर्टार बना रहे हैं, तो वो क्या होगा, गॉज मोर्टार होगा, क्या होगा, गॉज मोर्टार होगा। और इस मिक्सिंग की प्रोसेस को क्या कहते हैं, गॉजिंग बोलते हैं, इस मिक्सिंग की प्रोसेस को क्या कहते हैं, गॉजिंग बोलते हैं, तो जहां पे भी सीमेंट और लाइम मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, गॉज मोर्टार हो जाएगा। जिप्सम मोर्टार, जिप्सम मोर्टार क्या होता है, अगर हम सीमेंट में जिप्सम भी मिला दें तो अगर क्या हो गया, उसमें जिप्सम भी है, ठीक है, क्या है, जिप्सम भी है, तो क्या कहलाएगा, वो जिप्सम मोर्टार कहलाएगा। बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे अगर हम सीमेंट उसको यूज कर रहे हैं, किसको यूज कर रहे हैं, जिप्सम को यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो जिप्सम मोर्टार हो जाएगा। ठीक है, अब आता है एप्लीकेशन के हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, ईंट में के बीच में भर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये हमारा ब्रिक मैसनरी है, ये हमारा ब्रिक मैसनरी है, ब्रिक मैसनरी, अगर हम क्या कर रहे हैं, ब्रिक मैसनरी में ये बीच में जो जगह खाली है, ये जो बीच में जगह खाली है, इन जगह पे क्या कर रहे हैं, मोर्टार भर रहे हैं,
इन जगह पे हम मोर्टार भर रहे हैं, ये एप्लीकेशन है, ये हमारे यूज है, ठीक है, ये हमारा यूज है। तो अगर हम इस टाइप में यूज कर रहे हैं ब्रिकलेइंग में, तो क्या कहलाएगा वो? ब्रिकलेइंग मोर्टार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ब्रिकलेइंग मोर्टार कहलाएगा। और अगर हम क्या कर रहे हैं? फिनिशिंग कर रहे हैं। फिनिशिंग मतलब कि क्या कर रहे हैं? इसकी क्या कर रहे हैं? प्लास्टर कर रहे हैं, ठीक है, प्लास्टर कर रहे हैं। तो अगर हम प्लास्टर में यूज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? फिनिशिंग मोर्टार कहलाएगा। प्लास्टर में अगर यूज कर रहे हैं, प्लास्टरिंग कर रहे हैं, तो वो फिनिशिंग मोर्टार कहलाएगा, ठीक है। और अगर हम किस में यूज कर रहे हैं? ब्रिकलेइंग में यूज कर रहे हैं, तो ब्रिकलेइंग मोर्टार कहलाएगा, ठीक है। स्पेशल मोर्टार, कुछ स्पेशल मोर्टार भी होते हैं, जैसे कि फायर रेजिस्टेंट मोर्टार, फायर रेजिस्टेंट मोर्टार होता है, यानी कि जो आग से बचाए आपको, ठीक है। जैसे फायर रेजिस्टेंट क्या थी? ब्रिक थी ना, जैसे फायर रेजिस्टेंट ब्रिक थी। जिप्सम बाइंडिंग मटेरियल नहीं है, देखो जिप्सम को अकेले में यूज नहीं करेंगे, जिप्सम को अगर हम क्या कर रहे हैं, कहीं छोटी मोटी जगह पे कभी कभी यूज कर लेते हैं, जिप्सम को हम कहीं छोटी मोटी जगह पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। और अगर उसमें हम सीमेंट में या लैंड के साथ में मिला के यूज कर रहे हैं, तो वो जिप्सम मोर्टार भी हो जाता है, ठीक है। जहां पे जिप्सम की मात्रा थोड़ी सी क्या होती है? ज्यादा होती है। जिप्सम की मात्रा क्या होती है? थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। जिप्सम को अकेले में यूज नहीं करते, पर कहीं स्पेशल केसेस में कर लिया जाता है, कहीं स्पेशल केसेस में कर लिया जाता है। हाँ, सैंड भी मिलाना पड़ता है, गौज मोर्टार में सैंड भी मिलाना पड़ता है, पर मेनली लाइम और सीमेंट का होता है, ठीक है। हाँ, गौज मोर्टार में सैंड भी मिलाना पड़ता है, मैंने बताया था सैंड भी होता है उसमें, ठीक है, सैंड भी होता है। गौज मोर्टार में लाइम सीमेंट और सैंड दोनों होता है, लाइम और सीमेंट बाइंडिंग मेटेरियल की तरह यूज करते हैं। चलो अब देखो, फायर रेजिस्टेंस मोर्टार, फायर रेजिस्टेंस मोर्टार में क्या होगा? एल्यूमिनियम सीमेंट होता है, एल्यूमिनियम सीमेंट होता है। और पाउडर फॉर्म में क्या यूज कर रहे हैं? ब्रिक का पाउडर फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिक का पाउडर फॉर्म यूज कर रहे हैं। पांच ईटों का पाउडर फॉर्म में ब्रिक हमने बना लिया, उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वो फायर रेजिस्टेंस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? फायर रेजिस्टेंस हो जाएगा। देखो, इसमें जो बताई जा रही है वो उनकी स्पेशलिटी बताई जा रही है, इसमें स्पेशलिटी बताई जा रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके अलावा कुछ और यूज नहीं करेंगे। रिटार्डर का काम करता है, रिटार्डर का काम करता है जिप्सम, ये बात सही है, लेकिन कहीं कहीं क्या है, बाइंडिंग मटेरियल का भी इफेक्ट करता है, वो बाइंडिंग भी कर देता है, ठीक है, बाइंडिंग भी कर देता है। रिटार्डर उसकी मेन काम है, रिटार्डर का काम मेन काम है, ठीक है, लेकिन कभी कभी वो बाइंडिंग की तरह भी काम कर देता है। और प्लस ऐसा नहीं कि हम उसको मेन काम में यूज कर रहे हैं, कभी हम ऐसा नहीं कि मेन काम में यूज कर रहे हैं उसको, या तो हम सीमेंट के साथ मिला के करेंगे, या लाइन के साथ मिला के करेंगे, या कोई स्पेशल केसेस में यूज करेंगे, ठीक है, स्पेशल केसेस में यूज करेंगे। चलो उसके बाद आता है लाइट वेट मोटर। अगर आपको क्या करना है, लाइट वेट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सैंड के साथ में सैंड का यूज कम करेंगे और उसके साथ में सॉडस्ट, ठीक है, सॉडस्ट यानी कि बुरादा होता है, किसका? लकड़ी का, वुड का बुरादा, वुड का पाउडर फॉर्म में, या एस्बेस्टोस के फाइबर होते हैं या जूट के फाइबर होते हैं, इनका यूज करेंगे। तो ये क्या होता है? ये क्या होते हैं? ये हल्के होते हैं, बहुत क्या होते हैं, लाइट वेट होते हैं। और इनके साथ में क्या हो जाएगा? साउंड प्रूफ और हीट प्रूफ भी बन जाएगा कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन बनेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, साउंड प्रूफ और उसको हीट प्रूफ बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो साउंड प्रूफ और हीट प्रूफ कंस्ट्रक्शन करना हो, या लाइट वेट बनाना हो, बिल्डिंग को क्या करना हो, बिल्डिंग या कोई भी चीज हम बना रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, लाइट वेट बना रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, सॉडस्ट या वुड को पाउडर फॉर्म में या एस्बेस्टोस फाइबर या जूट फाइबर, इनका यूज कर लेंगे लाइट वेट बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, पैकिंग मोर्टार। क्या होता है कि हमें कुछ ऐसा बनाना है जैसे ऑयल वेल्स वगैरह हैं, ठीक है, यानी कि जहां से लीकेज नहीं हो, जहां पे हमें क्या करना है लीकेज को रोकना है। ऐसे मोर्टार जहां पे हमें लीकेज को रोकना है, जैसे हम ऑयल वेल्स बना रहे हैं, ऑयल वेल से लीकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जहां पे हमें लीकेज रोकना हो, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, पैकिंग मोर्टार यूज करेंगे। उसमें सीमेंट सैंड भी होता है साथ में, ठीक है, सीमेंट सैंड भी होता है। फिर आता है साउंड एब्जॉर्बिंग मोर्टार। ऐसा मोर्टार जो साउंड को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। चलो क्या होता है, साउंड एब्जॉर्बिंग मोर्टार जो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले। इसकी बल्क डेंसिटी कितनी होती है? 6 से 12 किलोमीटर पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है, 6 से 12 किलोमीटर पर मीटर क्यूब, यानी कि लाइट डेंसिटी होती है, ये लाइट वेट होता है। उसके अलावा बाइंडिंग मटेरियल इसमें क्या यूज करते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट यूज करते हैं, लाइम यूज करते हैं, जिप्सम यूज करते हैं, या स्लैग यूज करते हैं, ठीक है, इन सब का यूज होता है।
किसका जॉइंट बनता है कि नहीं, किसके लिए पूछ रहे हो? डिप्लोमा टेस्ट सीरीज के लिए प्रोमो कोड, कोई प्रोमो कोड नहीं है, डिप्लोमा टेस्ट सीरीज के लिए कोई प्रोमो कोड नहीं है, आपको सीधे परचेस करना है उसको सीधे बिना प्रोमो कोड के, ठीक है? चलो, जो एग्रीगेट सेलेक्ट होते हैं वो पोरस मटेरियल से सेलेक्ट होते हैं, इसके लिए साउंड एब्जॉर्बिंग जो होता है ना मोर्टार, उसमें एज अ एग्रीगेट प्यूमिस या सिंडर्स का यूज किया जाता है, प्यूमिस या सिंडर्स का यूज किया जाता है एग्रीगेट में, ठीक है? बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे पोर्टलैंड सीमेंट या लाइम या जिप्सम या स्लैग का यूज कर सकते हैं, ठीक है? लाइट वेट होता है ये। इसके अलावा एक्सरे शील्डिंग मोर्टार, एक्सरे शील्डिंग मोर्टार, इसकी बल्क डेंसिटी ज्यादा होती है, और ये कहां यूज होता है? जो एक्सरे रूम बनते हैं, एक्सरे रूम बनते हैं उनमें इसका यूज होता है, एक्सरे रूम में इसका यूज होता है, हाँ, साउंड को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है? क्या होता है, एक्सरे रूम में इनका यूज होता है, एक्सरे रूम में यूज होता है। एक्सरे कैबिनेट की क्या करनी हो, प्लास्टरिंग करनी हो वॉल्स की या सीलिंग की, तो हम क्या यूज करेंगे, एक्सरे शील्डिंग मोर्टार यूज करेंगे, ठीक है? हैवी रॉक से मिलकर बनता है, हैवी रॉक से बनता है इसका एग्रीगेट। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोर्टार, गुड मोर्टार की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सर इतना डीप में मत पढ़ाओ, तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं है ये, बहुत ज्यादा डीप में नहीं ले जा रहा, टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा डीप में नहीं ले जा रहा, ये तो बहुत ऊपर ऊपर से ही है आपको, टेंशन मत लो। एस्टिमेट्स के नोट्स पूरे नहीं है, खाली है बीच में, तो आप कॉल कर लेना एक बार, चैनल वाले नंबर पे कॉल कर लेना, उसमें बता देना, ठीक है? क्यों भरे हैं क्या? निशा क्या पूछना चाह रही हो? सर बाइंडिंग के रूप में क्ले का यूज कहां पर करते हैं, क्ले का यूज कहां पे करते हैं? ये तो क्ले का यूज तो फिर वहां पे होगा ना, जो लोकल गांव वगैरह में यूज करते हैं, लोकल गांव वगैरह में यूज करते हैं ना क्ले का, जहां पे क्या करते हैं, देखो क्ले का भी यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, उससे हीट नहीं आएगी तो वो क्या होगा, ठंडा लगता है। क्ले का अगर हमने यूज किया है, लोकल कच्चे घरों में यूज होता है, क्ले का यूज लोकल कच्चे घरों में होता है और उससे हीट नहीं आएगी, ठीक है? इससे हीट नहीं आएगी। चलो, हीट प्रूफ बनाता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ गुड मोर्टार, गुड मोर्टार की प्रॉपर्टीज क्या होती है? मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी कि थोड़ा स्टिफ से फ्लूट फॉर्म में होना चाहिए, क्या होगा, स्टिफ से फ्लूट फॉर्म में होगा, ठीक है? यानी कि हमें कहीं भी उसको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करना है, तो वो आराम से होना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो तो दिक्कत हो, ठीक है? हाँ, एक जगह से दूसरी जगह मोबिलिटी पता है ना आपको, मतलब बहते हुए फॉर्म में होना चाहिए, फ्लूट फॉर्म में होना चाहिए, बहते हुए फॉर्म में, ताकि हमें सेट करना हो, मान लो ये ब्रिक है, अब इनके बीच में हमें क्या करना है, मोर्टार फिल करना होता है, कई बार क्या होता है ब्रिक भी नहीं होती, कहीं पे हमने फ्लोरिंग करनी है, मोर्टार की फ्लोरिंग करनी है, तो वो अच्छे से फैल जाए, इसके बीच में कहीं पे गैप नहीं रहे, अच्छे से पूरा फैल जाए, मोबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है? इससे क्या होता है, कंसिस्टेंसी आती है इससे, तो पूरा फैल जाना चाहिए अच्छे से। कहीं पे अगर हम फ्लोर बना रहे हैं मोर्टार का, फ्लोर बना रहे हैं, फ्लोर भी बनता है ना इसका, तो हमें क्या कर दिया, इसमें फैला दो अच्छे से, तो पूरी फैल जानी चाहिए, मोबिलिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि जहां पे हमने रख दिया वहीं पे रखा रह गया, ठीक है? तो पूरे में क्या हो जाना चाहिए, वो फैल जाना चाहिए। प्लेसिंग एबिलिटी होनी चाहिए, प्लेसिंग एबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, मोबिलिटी, अगर मोबिलिटी होगी तो प्लेस भी वो अपने आप आराम से हो जाएगा, ठीक है? अगर मोबिलिटी होगी तो वो इजिली क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। अब वाटर रिटेंशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इसमें पानी डाल दो तो पानी को वो क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, वॉइड्स में पानी भर जाएंगे और उसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ घट जाएगी। तो वाटर रिटेंशन होना चाहिए, ठीक है? पानी को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। बस इतना ही था क्या, मोर्टार टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, मोर्टार में इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था, ठीक है? मोर्टार में इतना ही था। अब हम क्या देखेंगे, लाइम देखेंगे। तो लाइम में हम पहले क्या देखेंगे, हाँ, फैलने की प्रॉपर्टी। लाइम में हम कुछ टर्म्स देखेंगे, जैसे कि क्या होता है कैल्सिनेशन, मतलब कैल्सिनेशन होता क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कैल्सिनेशन क्या होता है। थैंक यू सर, अरे अभी तो मैं यही हूं, पढ़ा रहा हूं। नहीं, अरे रुको, अभी तो टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लाइम छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट लगेगी, इसके लिए पूरी क्लास मत रखवाओ एक, ठीक है? कहीं नहीं जाना। वाह, तुम बड़े चालाक बच्चे हो, कल पढ़ाना। रुक जाओ 15-20 मिनट और रुक जाओ, ठीक है? 15-20 मिनट और रुक जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? चलो, तो लाइम क्या होता है, लाइम को हम हीट करते हैं, क्या करते हैं,
हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीटिंग टू रेडनेस इन कॉन्टेक्ट विद एयर, यानी कि हम लाइन को इतना हीट कर दें कि वो लाल पड़ जाए, पूरा लाल हो जाए, तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, चलो वो क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है, वो क्या होता है, कैल्सिनेशन होता है, ठीक है, हीटिंग टू रेडनेस, हीटिंग टू रेडनेस, हाँ अभी पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है अभी पढ़ा रहा हूं, फिर मैं एक गाना गा के सुना दूंगा, अगर जाने के लिए बोलोगे तो मैं गाना गा दूंगा। चलो हाँ चलो ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, एक मिनट रुकना, हाँ चलो क्या होता है कैल्सिनेशन, क्या होता है कैल्सिनेशन, होता है किसी भी लाइम को, किसी भी लाइम को हम क्या कर रहे हैं, लाइम को या लाइमस्टोन को, ठीक है लाइमस्टोन को हम एयर की प्रेजेंस में गर्म कर रहे हैं, एयर की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है हीट कर रहे हैं, एयर की प्रेजेंस में हम हीट कर रहे हैं, तो क्या होता है कैल्सिनेशन कहलाता है, ध्यान रखना हीटिंग होती है और एयर की प्रेजेंस में होती है, क्या कहलाती है कैल्सिनेशन कहलाती है, क्या कहलाती है कैल्सिनेशन। हाइड्रोलिसिटी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टी, लाइम की ऐसी प्रॉपर्टी चलो मेरी आवाज बहुत खराब है, गाने वाने की जिद ना करो, चलो ठीक है, तो हाइड्रोलिसिटी, हाइड्रोलिसिटी क्या होती है, जहां पे हम पानी में भी, पानी में भी क्या होता है, पानी में भी क्या होता है, लाइम को सेटल करा सके, लाइम को सेट करा सके, वो प्रॉपर्टी, जहां पे डैम प्लेसेस हो, जहां पे पानी हो, ठीक है, या फिर थिक मशीनरी हो, पतली मशीनरी हो, वहां भी हम क्या कर सके, लाइम को सेटल करा सके, जहां पे एयर नहीं हो, एयर का सर्कुलेशन नहीं हो, ठीक है, क्योंकि लाइम कब सेट होगा, लाइम को सेट होने के लिए क्या चाहिए, लाइम को सेट होने के लिए क्या चाहिए, लाइम को क्या चाहिए, ये क्या बोल रहे हैं, हाँ साउथ के हीरो जैसे लगते हैं, अब इसको मैं तारीफ समझूं या क्या समझूं, बहुत बढ़िया, चलो गाना मैं वो सुनाने वाला था, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं है ना, तो अभी दिल भरा नहीं है पढ़ाई से, पढ़ाई से दिल भरा नहीं है, तो अभी क्या करना है, मेरे को पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, और साउथ के जो हीरो आप बता रहे हो ये तारीफ है या क्या है पता नहीं, ठीक है चलो बहुत बढ़िया, हाँ तो अब वापस आ जाते हैं पढ़ाई पे, लाइम पे, इसको कंप्लीट करते हैं पहले, है ना, इसको कंप्लीट करते हैं फिर करेंगे बातें, आ जाओ, तो हाइड्रोलिसिटी, हाइड्रोलिसिटी क्या होती है, डैम प्लेसेस में जहां पानी हो, जहां पानी हो वहां भी हम क्या करते हैं, वहां भी हम क्या करते हैं, डैम प्लेसेस में या पानी हो या फिर थिक मशीनरी हो, ऐसी जगह पे जहां पे एयर नहीं पहुंच सके, ऐसी जगह पर जहां पे एयर नहीं पहुंच सके, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे क्या होगा, वहां भी अगर लाइम को हम सेटल करवा पा रहे हैं, लाइम को सेट करवा पा रहे हैं, लाइम सेट हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिटी बोलेंगे, उस प्रॉपर्टी को हाइड्रोलिसिटी बोलेंगे, ठीक है चलो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिटी बोलेंगे। तीसरे क्या आता है, ये लाइम है, लाइम कहां से आता है, देखो लाइम कैसे आता है, कैल्सिनेशन होता है, क्या होता है कैल्सिनेशन, ये क्या है लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन क्या होता है CaCO3, CaCO3 क्या है लाइमस्टोन है, हमने इसका हीट किया, ठीक है हीट किया, हीट की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं, हीट होती है अगर इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, कैल्सिनेशन बोलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा CaO बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा CO2 बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CaO और CO2 बन जाएगा, ये क्या होगा लाइम होता है, CA क्या होता है लाइम होता है, ठीक है यानी कि हमने क्या किया, लाइमस्टोन को गर्म किया है, लाइमस्टोन को क्या किया है गर्म किया है, ठीक है लाइमस्टोन को गर्म किया है, हीट किया है, हीट करने पे क्या हो जाता है लाइम बन जाता है, हीट करने पे क्या बन जाता है लाइम बन जाता है। अब आते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम भी एक टर्म आता है, तो ऐसा लाइम, ऐसा लाइम जिसमें कैल्सिनेशन तुरंत हो, बहुत जल्दी कैल्सिनेशन हो, ठीक है यानी कि कैल्सिनेशन से, सॉरी क्या हो, कैल्सिनेशन से बना हो, ऐसा लाइम जो कैल्सिनेशन, प्योर लाइम के कैल्सिनेशन से बना हो, ठीक है प्योर लाइम के कैल्सिनेशन से बना हो, वो क्या होता है क्विक लाइम होता है, ठीक है स्लेकिंग बहुत जल्दी होती है इसमें, इसमें स्लेकिंग बहुत जल्दी होती है, क्या होती है स्लेकिंग होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है ग्रेट एफिनिटी ऑफ वाटर है, देखो
देसी भाषा में समझो, देसी भाषा में क्या है क्विक लाइम? क्या होता है? ऐसा लाइम जो हमने प्योर लाइम, ठीक है, प्योर लाइम के कैल्सिनेशन से बनाया है वो क्या होगा? क्विक लाइम होगा, ठीक है। अब क्योंकि क्विक लाइम है तो इसकी क्या होंगी? कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि इसकी अफिनिटी बहुत ज्यादा होती है पानी से। पानी से अफिनिटी मतलब कि थोड़ा सा भी इसमें पानी मिला कि ये क्या हो जाता है? तुरंत ही स्लेकिंग हो जाती है, तुरंत ही हीट होता है, ठीक है। स्लेकिंग क्या होती है? हमने क्या किया, ये लाइम है, ये लाइम है, लाइम में हमने क्या कर दिया? पानी मिला दिया, पानी मिला दिया। पानी मिलते ही क्या होगा? इसमें स्लेकिंग होगी, इसमें से हीट निकलेगी, ये इसकी वॉल्यूम इंक्रीज करेगी, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज करती है, हीट होती है, वॉल्यूम भी 2 से 2.5 गुना, 2 से 2.5 टाइम्स तक क्या होती है इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, किसकी? क्विक लाइम की, क्विक लाइम की, ठीक है। पानी मिलाते ही उसमें स्लेकिंग होती है, रिएक्शन होती है। स्लेकिंग क्या होती है? रिएक्शन, ठीक है। हाँ, स्लेकिंग क्या होती है? रिएक्शन। क्या हो जाती है? रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। क्या होती है? क्या हो जाती है? रिएक्शन हो जाती है। अमॉर्फस होता है नेचर में, और कार्बनिक एसिड के लिए कोई एफिनिटी नहीं होती, कार्बनिक एसिड से कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। इसको हम कॉस्टिक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्टिक लाइम भी बोलते हैं। और ये क्या होता है? भट्टों से निकल के आता है, क्योंकि हमने कैल्सिनेशन किया है। कैल्सिनेशन के क्या किया है? भट्टों से निकल के आता है, तो इसको हम लंप लाइम भी बोलते हैं, लंप लाइम भी बोलते हैं। इसके बाद में हम इसको पीस देते हैं पाउडर फॉर्म में करने के लिए, ठीक है। स्लेकिंग क्या होती है? पानी के मिलाने पर क्विक लाइम तुरंत ही क्या होता है? रिएक्शन होती है। पानी के मिलाने पर CaO+H2O, पानी मिलाया, क्या हो जाता है? CaOH बन जाता है, CaOH बन जाता है, ठीक है, CaOH बन जाता है, CaOH बन जाता है। तो ये क्या बन जाता है? ये स्लेकिंग हो गई। ये क्या हो गई? इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को स्लेकिंग बोलते हैं। पानी में मिलाने के पर, पानी मिलाने पर तुरंत ही क्या हो गई? स्लेकिंग हो गई। तुरंत ही क्या हो गई? स्लेकिंग हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्लेकिंग हो जाती है। बच्चों, ओ मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। निशा जी, नव्या जी, रिस्की, मोहित जी, सब यहीं पे आ जाओ, पढ़ाई में आ जाओ, ठीक है, सब यहीं पे पढ़ाई में आ जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरी तारीफ तो कोई बात नहीं चलती रहेगी, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी अच्छा सोचते हैं मेरे लिए, मेरे को खुशी होती है इस बात से। चलो अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं ना, तो अब आ जाते हैं हाइड्रेटेड और स्लेक लाइम। हाइड्रेटेड और स्लेक लाइम, तो इसका मतलब क्या है? जो स्लेकिंग हो गई, जो मैंने अभी प्रोसेस बताई थी, जो हमने प्रोसेस बताई थी अभी, इसमें से क्या हुई? हीट निकलती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा हीट निकलती है, टेम्परेचर बढ़ता है एकदम से, स्लेकिंग प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो ये जो बन के आया है इसको क्या बोलते हैं? स्लेकिंग की प्रोसेस के बाद जो लाइम बना है इसको स्लेक लाइम बोलते हैं, या फिर हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड या स्लेक लाइम बोलते हैं। इस लाइम का यूज, इस लाइम को स्टोर नहीं करते कहां पे? डैम प्लेसेस में, डैम प्लेसेस में स्टोर नहीं करते, डैम प्लेसेस में स्टोर नहीं करते, ठीक है, स्टोर नहीं करते। स्टोर क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हम डैम प्लेसेस में स्टोर करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जैसे ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा ये तुरंत क्या कर देगा? स्लेकिंग हो जाएगी, स्लेकिंग हो जाएगी, रिएक्शन कर जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? स्लेक लाइम बन जाएगा। और स्लेक लाइम बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? जमने लगेगा। क्या करने लगेगा? जमने लगेगा, ठीक है, जमने लगेगा, सॉलिड होने लगेगा। तो इसलिए क्या होता है, हम इसको डैम प्लेस में यूज नहीं करते, डैम प्लेसेस में यूज नहीं करते, ठीक है, डैम प्लेस में यूज नहीं करते। अब क्या बता रहा है इसमें, अगर हम क्या है, सिलिशियस मैटर प्रेजेंट है लाइम में, ठीक है, अगर सिलिशियस मैटर है लाइम में तो इससे क्या होगी? हाइड्रोलिसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हाइड्रोलिसिटी आ जाएगी, हाइड्रोलिसिटी इंपार्ट करता है। उसके अलावा व्हाइट चौक, व्हाइट चौक क्या है? प्योर लाइमस्टोन देता है। व्हाइट चौक क्या होती है? प्योर लाइमस्टोन है। और कंकड़ क्या है? इम्प्योर लाइम है। अगर आपसे पूछे प्योर लाइम और इम्प्योर लाइम का एग्जांपल पूछे, तो प्योर लाइम क्या है? व्हाइट चौक, ठीक है, और कंकड़ क्या है? इम्प्योर लाइम है। कंकड़ क्या है? इम्प्योर लाइम है। पूछ लेते हैं कई बार इम्प्योर लाइम कौन सा है, तो वो कंकड़ है। प्योर लाइम कौन सा है? व्हाइट चौक है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। लाइम को तीन तरीके से बांटा गया है, लाइम को तीन तरीके से बांटा गया है, लाइम को तीन तरीके से बांटा गया है, ठीक है, तीन तरीके से बांटा गया है। कौन कौन से तीन तरीके से? एक तो फैट लाइम होता है, दूसरा हाइड्रोलिक लाइम होता है, ठीक है, एक फैट लाइम होता है, दूसरा हाइड्रोलिक लाइम होता है, और तीसरा कौन सा होता है? पुअर लाइम। तीसरा कौन सा होता है? पुअर लाइम। अब कैसे कैसे बांटा गया है देखो, हमने क्या किया, फैट लाइम, फैट लाइम के पहले तो नाम देख लो, फैट लाइम के ये सारे फैट लाइम के ही नाम है, फैट लाइम के ही नाम है, क्योंकि क्या होता है,
फैट लाइम की जगह क्या देता है आपको, व्हाइट लाइम देता है या प्योर लाइम देता है, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो कुछ अलग ही आ गया, ये तो लाइम हमने पढ़ाई नहीं, तो ये सारे नाम याद रखना, फैट लाइम, हाई कैल्शियम लाइम, प्योर लाइम, रिच लाइम या व्हाइट लाइम, ठीक है। ये क्या है, ये सारे एक ही है, बस नाम का फर्क है, नाम अलग अलग है, ठीक है। ये कहां से बनते हैं, प्योर लाइम स्टोन से बनते हैं, प्योर लाइम स्टोन से बनते हैं, ठीक है। और प्योर लाइम स्टोन से बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इंप्योरिटी 5% से कम होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, इंप्योरिटी क्या होनी चाहिए, 5% से कम होनी चाहिए। और इनकी खासियत क्या होती है, ये स्लेक करते हैं वाइग्रसली एकदम से, जैसे ही पानी के कॉन्टेक्ट में आए तुरंत क्या होगा, स्लेकिंग चालू हो जाएगी, तुरंत रिएक्शन चालू हो जाएगी, पानी के कॉन्टेक्ट में आते ही स्लेकिंग या रिएक्शन एकदम से चालू हो जाएगी। और जैसे स्लेकिंग चालू होगी तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगी इसकी, कितनी, 2 से 2.5 गुना तक वॉल्यूम बन जाएगी, ठीक है। क्विकलाइम की वॉल्यूम से 2 से 2.5 गुना तक इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, इसकी वॉल्यूम 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाती है। और ये क्या होता है, बहुत स्लोली हार्ड होता है, ठीक है। यानी कि स्लेकिंग तो एकदम से होती है, लेकिन हार्ड क्या होता है, स्लोली होता है। और प्लास्टिसिटी भी इसकी क्या होती है, हाई होती है, हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी होती है। तो ये क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी होने के कारण स्लो क्या होता है, सेट होता है, स्लोली सेट होता है प्रेजेंस ऑफ एयर में, स्लोली सेट होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। यूज कहां करते हैं हम, व्हाइट वॉशिंग जो भी करते हैं, क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग। कुलदीप जी पूछ रहे हैं स्लेक क्या होता है, अभी तो बताया स्लेकिंग क्या होती है, रिएक्शन। वाटर में जैसे ही लाइम मिलता है, वाटर से जैसे ही कॉन्टेक्ट में आता है लाइम, क्या करता है, रिएक्शन करता है। कैसे करता है, H2O प्लस CaO, तो क्या आता है, CaOH2 प्लस हीट निकलती है, यही प्रोसेस क्या है, यही पूरी प्रोसेस स्लेकिंग कहलाती है, ठीक है, स्लेकिंग कहलाती है। यानी कि जैसे ही पानी कॉन्टेक्ट में आएगा तुरंत क्या कर देगा, रिएक्शन हो जाएगी। और रिएक्शन होने की वजह से इसकी जो होगी वॉल्यूम बड़ी होगी, इसकी तुलना में इसकी वॉल्यूम 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाती है, कितनी, 2 से 2.5 गुना तक वॉल्यूम बढ़ जाती है। इसका यूज व्हाइट वॉशिंग या प्लास्टरिंग, यानी कि दीवार की अगर हमें प्लास्टर करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ये प्योर व्हाइट कलर का होता है और पानी में सोल्यूबल होता है, प्योर व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, क्या होगा, प्योर व्हाइट कलर का होता है। दूसरा आता है हाइड्रोलिक लाइम। अब क्योंकि देखो होता क्या है, अगर वो पानी में घुल जाता है कौन सा, प्योर लाइम, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, पानी में कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं या हम ऐसी जगह कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं जहां पे पानी का कॉन्टेक्ट लगातार आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे अगर हम क्या करेंगे, प्योर लाइम को यूज करेंगे, क्विक लाइम को यूज करेंगे, तो वो पानी में घुल जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, ऐसा लाइम यूज करना है जो कि पानी में घुले नहीं, पानी में सेटल ना हो। तो हम कौन सा यूज करते हैं, हाइड्रोलिक लाइम। ये क्या होता है, पानी के अंदर सेट हो जाता है। इसको प्रेजेंस ऑफ एयर जरूरत नहीं है, लाइम में, क्विक लाइम में सेटल होने के लिए एयर की प्रेजेंस जरूरी है, क्विक लाइम को सेट होने के लिए एयर की प्रेजेंस जरूरी है, लेकिन इसको, हाइड्रोलिक लाइम को सेट होने के लिए एयर की प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जहां पे एयर नहीं होती, जहां पे हवा भी नहीं पहुंचती, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, हाइड्रोलिक लाइम यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होती है, इंप्योरिटीज होती हैं, कितनी होती है, 5% तो थी, उसमें कितनी थी, 5% थी, इसमें 30% तक, ठीक है, इसमें 5 से 30% तक इंप्योरिटी होती है, कितनी होती है, 5 से 30% तक इंप्योरिटीज होती है, ठीक है। क्या होती है इंप्योरिटीज में, क्ले होती है और कुछ फेरस ऑक्साइड होती है, क्ले और फेरस ऑक्साइड, ये क्या है, ये इंप्योरिटीज हैं। अब क्योंकि क्ले कंटेंट बढ़ गया, इसलिए स्लेकिंग का टाइम भी बढ़ जाता है। क्या होता है, ठीक है। और क्ले कंटेंट बढ़ने की वजह से स्लेकिंग का टाइम बढ़ रहा है, इसकी वजह से क्या होगी, सेटलिंग टाइम कम हो जाएगी। देखो क्ले कंटेंट बढ़ने की वजह से स्लेकिंग टाइम तो बढ़ रहा है, यानी कि ज्यादा टाइम में स्लेक होगा, स्लेक इजिली नहीं होगा, लेकिन सेटलिंग टाइम क्या होता है, कम होता है। और सोल्यूबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है, पानी में सोल्यूबल नहीं होता। और सेटल भी आराम से होता है, ऐसा नहीं कि जल्दी सेटल हो जाए, मतलब सॉरी सेटल टाइम बढ़ जाता है, ठीक है, सेटलिंग टाइम बढ़ जाता है, क्ले कंटेंट बढ़ रहा है तो सेटलिंग टाइम घट रहा है, यानी कि जल्दी से सेटल हो जाएगा, ठीक है।
पानी में जल्दी सेटल हो जाएगा, मैंने जल्दी जल्दी में थोड़ा गलत बोल दिया, पानी में बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा, ठीक है। सेटलिंग टाइम क्या हो रहा है इसका, घट रहा है, सेटलिंग टाइम घट रहा है, और सोल्युबिलिटी भी क्या हो रही है, घट रही है, सोल्युबिलिटी भी क्या हो रही है, घट रही है। तो क्ले कंटेंट बढ़े यानी कि इंप्योरिटी बढ़ी, इंप्योरिटी बढ़ने की वजह से क्या हो रही है, सेटलिंग टाइम और सोल्युबिलिटी घट रही है, और स्ट्रेंथ भी क्या हो रही है, फैट लाइन की क्या होती है, क्ले कंटेंट की वजह से ज्यादा आती है, स्ट्रेंथ भी क्या आती है, ज्यादा आती है, ठीक है, स्ट्रेंथ भी क्या आती है, ज्यादा आती है। हाँ, सेट जल्दी सेटल होता है। दिव्यांशी भी पढ़ाती हैं, हाँ दिव्यांशी मैडम ने पढ़ाया है कुछ, अभी फिलहाल तो नहीं पढ़ा रही हैं लेकिन वो पढ़ाती हैं। इनिशियल सेटलिंग टाइम नहीं पूछता, इनिशियल सेटलिंग टाइम आपसे कभी नहीं पूछेगा इसका, ठीक है। हाँ उल्टा बोल दिया मैंने जल्दी जल्दी में, ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने जल्दी में, दोबारा बता देता हूँ। हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम वो लाइम होता है जो हम बिना एयर की प्रेजेंस में भी सेटल होता है, ठीक है, बिना एयर की प्रेजेंस में जहां एयर नहीं हो वहां भी सेट हो जाए तो कौन सा होगा, हाइड्रोलिक लाइम, क्योंकि जहां एयर नहीं होगी वहां कुछ तो होगा, तो वहां क्या होता है, पानी होता है, वहां क्या होता है, पानी होता है, तो यानी कि जो पानी में सेट हो जाए वो क्या होता है, हाइड्रोलिक लाइम होता है, ठीक है। इसमें इंप्योरिटी ज्यादा होती है, इंप्योरिटी प्योर लाइम में कितनी थी, 5% तक होती है, इसमें 30% तक इंप्योरिटी होती है, 30% तक इंप्योरिटी होती है। अब इंप्योरिटी में क्या होता है, क्ले होता है और फेरस ऑक्साइड होती है, ठीक है, क्या होता है, क्ले होता है और फेरस ऑक्साइड होती है। अब क्ले होने की वजह से क्या होता है, स्लेकिंग टाइम बढ़ जाता है, स्लेकिंग टाइम बढ़ जाएगा यानी कि रिएक्शन जल्दी नहीं होगी तो हम आराम से पानी में स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन रिएक्शन टाइम तो बढ़ जाएगा, लेकिन सेटलिंग टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सेटलिंग टाइम कम हो जाता है, इसलिए जल्दी सेटल भी कर जाता है, और जल्दी सेटल कर जाता है तो इसलिए हम स्ट्रक्चर आराम से पानी में जल्दी बना करके इसको यूज कर सकते हैं, और सोल्यूबल नहीं होता पानी में, सोल्यूबल भी नहीं होता और स्ट्रेंथ भी ज्यादा देता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पानी में यूज करते हैं किसका, हाइड्रोलिक लाइम का या वाटर लाइम का। तीसरा आता है प्योर लाइम, तीसरा क्या आता है, प्योर लाइम बोल रहा हूं। हाँ ठीक है, क्या हो गया इनिशियल टाइम, क्या इनिशियल टाइम लाइम का नहीं पूछता, क्यों तुम्हें फालतू की चीजों में पढ़ना है, सीमेंट में पढ़ना ना, सीमेंट में भी तुम्हें 5-7 दिन इनिशियल टाइम बता दूंगा, सारे सीमेंट के पूछे जाते हैं इनिशियल टाइम, मैं सारे बता दूंगा, ठीक है। चलो प्योर लाइम में क्या होता है, पुअर लाइम, ठीक है, क्या है, पुअर लाइम, प्योर लाइम और पुअर लाइम थोड़ा साउंड क्या कर रहा है, बिल्कुल सेम कर रहा है, ठीक है, पुअर लाइम, ठीक है। क्ले कंट इसमें क्या होता है, क्ले होते हैं कितने, 30% से ज्यादा क्ले होते हैं, 30% से ज्यादा क्ले होते हैं, 90 सेटलिंग टाइम पूछा, वो इनिशियल टाइम पूछा जाता है लेकिन लाइम का नहीं पूछा जाता, सीमेंट के पूछे जाते हैं, ठीक है, सीमेंट के सारे सीमेंट है जिनका पूछा जाता है, लाइम का नहीं पूछा जाएगा। चलो हाँ, पुअर लाइम है ये, प्योर लाइम नहीं, प्योर लाइम तो क्विक लाइम था, ठीक है। तो पुअर लाइम क्या है, इसमें इंप्योरिटी 30% से ज्यादा होती है, क्ले कंटेंट या इंप्योरिटी क्या होती है, 30% से ज्यादा होती है, इंप्योरिटी क्या होती है, 30% से ज्यादा होती है, ये बहुत स्लोली क्या होता है, सेट होता है, बहुत स्लोली सेट करता है, इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी, भाई पुअर लाइम है, पुअर का मतलब क्या हो, खराब हो गया, खराब है, तो इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी भी खराब होती है, और इसका कलर भी क्या होता है, मडी व्हाइट होता है, बिल्कुल व्हाइट नहीं होता। चलो अब ये बनता कैसे है, फैट लाइम बनता कैसे है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट लाइम, तो कलेक्शन ऑफ लाइमस्टोन, हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइमस्टोन इकट्ठा करेंगे, लाइमस्टोन लेकर के आ जाएंगे। देखो सुनो, इसका अगर आपको इनिशियल टाइम का दिक्कत है, आपको कहीं से पता करना है, अगर इसका इनिशियल टाइम पूछा जाता होगा लाइम का, तो जब मैं सीमेंट का बताऊंगा ना, सीमेंट के सारे सीमेंट बताऊंगा, तब इसका भी बता दूंगा, ठीक है, अगर इसका कहीं पूछा जाता होगा। मैंने अभी तक कम से कम 10 से 12 एग्जाम का देखा है, उसमें कहीं भी अभी तक नहीं पूछा गया है, फिर भी अगर होगा इसका लाइम का इनिशियल टाइम, तो मैं आपको पक्का बताऊंगा, ठीक है।
ये बीएमसी ही है, बीएमसी ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर होता है ना कि किस चीज के बारे में क्या पूछ रहा है, किस चीज के बारे में क्या पूछा जाता है। लैम के बारे में नहीं पूछता है वो उसको, ठीक है। अगर कहीं भी पूछा जाता होगा तो इनिशियल टाइम जब मैं सीमेंट पढ़ाऊंगा उसमें सीमेंट के इनिशियल सेटलिंग टाइम बताऊंगा तो उसमें लैम का भी बता दूंगा, ठीक है, अगर कहीं भी पूछा जाता होगा या पूछा गया होगा आज तक। चलो अब इस पर बहस नहीं करनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट लाइम, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट लाइम तो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ लाइमस्टोन। सबसे पहले लाइमस्टोन इकट्ठा करो, ठीक है, क्या होगा, लाइमस्टोन इकट्ठा करो और फिर उसके बाद में भट्टों में डाल दो। भट्टे कैसे होते हैं, क्लैंप या किल्न होते हैं, क्लैंप या किल्न आपने देखे थे ब्रिक में भी, ठीक है। और इसके दो टाइप के होते हैं, फ्लेम टाइप और फ्लेयर टाइप, फ्लेम टाइप और फ्लेयर टाइप, क्लैंप हो या किल्न हो, फ्लेम टाइप या फ्लेयर टाइप ही होता है। क्या होता है, फ्लेम टाइप या फ्लेयर टाइप ही होता है। फ्लेम टाइप में क्या होता है, डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आता है लैम उससे, लाइमस्टोन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आता है फ्यूल से। यानी क्या करो, लाइमस्टोन रख दो, उसके ऊपर फ्यूल डाल दो। फ्यूल मतलब कि वही घास फूस वगैरह जो भी चीज डालते हैं, जो उसमें बनाते थे ना, ईंट बनाते थे, ईंट पकाते थे, वही फ्यूल इसमें भी यूज कर लो, ठीक है। तो क्या होगा, इसका अच्छी क्वालिटी नहीं आती, इसकी अच्छी क्वालिटी नहीं आती, तो ये कौन सा होता है, फ्लेम टाइप होता है। और फ्लेयर टाइप क्या होता है, फ्लेयर टाइप क्या होता है, जिसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आता फ्यूल से। यानी कि लाइमस्टोन अलग है और फ्यूल अलग है, फ्यूल अलग है, ठीक है, उसको हम जला रहे हैं, फ्यूल को हम जला रहे हैं और लाइमस्टोन अलग है, तो कौन सा होगा, फ्लेयर टाइप होगा। और फ्लेम टाइप कौन सा है, जहां पे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा है, क्या लाइमस्टोन और फ्यूल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा है, आपस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो क्या होगा, वो फ्लेम टाइप होगा, ठीक है। इन दोनों भट्टों में क्या करते हैं, जलाते हैं और उसके बाद में क्या होता है, बंट लैम्प की स्लेकिंग होती है, बंट लैम्प ठंडा हो जाता है और फिर हम उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है, पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में उसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्लेकिंग की जगह पे हम क्या करेंगे, इसको पाउडर फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है, पाउडर फॉर्म में करेंगे इसको। चलो इसके बाद आता है नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम की मैन्युफैक्चरिंग। अगर नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम है तो नेचुरल हाइड्रोलिक लाइम हमसे कहां से मिलता है, कंकड़ से। नेचुरल कहां से मिलता है, कंकड़। तो कंकड़ों को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। कंकड़ भी दो टाइप से मिलते हैं, या तो नोड्यूलर यानी कि छोटे छोटे कंकड़ जो मिलते हैं, छोटे छोटे कंकड़ जो मिलते हैं, या ब्लॉक फॉर्म में, बड़े बड़े ब्लॉक फॉर्म में मिलते हैं कंकड़, इनको हम यूज करेंगे और सेम वैसे ही यूज करेंगे जैसे हमने पहले उसका किया था ना, ऐसे ही यहाँ पे इसका क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे क्लैंप या किल्न में। और जब कैल्सिनेशन कर लेंगे तो क्या करेंगे, स्लेकिंग कर देंगे इसकी, ठीक है, स्लेकिंग कर देंगे इसकी भी। लाइम में लाइम के टाइप्स इंपोर्टेंट है, बस क्या है, लाइम के टाइप्स इंपोर्टेंट है, बस लाइम के टाइप्स इंपोर्टेंट है, लाइम के टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज, लाइम के टाइप्स और उनकी प्रॉपर्टीज इंपोर्टेंट है। अब आता है लाइम को हमने कोड के हिसाब से, कोड के हिसाब से, कोड कौन सा है, देख लो कोड कौन सा है, 712/1984, ठीक है, उसके हिसाब से बिल्डिंग लाइम को हमने छह कैटेगरी में बांटा है, छह कैटेगरी में बांटा है, ए बी सी डी ई एफ। ए कौन सा होता है, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। बी कौन सा होता है, सेमी हाइड्रोलिक लाइम। सी फैट लाइम। डी मैग्नीशियम और डोलोमाइट लाइम। ई कंकड़ लाइम। और एफ सिलिशियस डोलोमाइट लाइम। ये बस ये ध्यान रखना कौन सी क्लास का कौन सा है, इसके अलावा और कोई यूज नहीं है इसमें, ठीक है, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। चलो ठीक है, अब इसके बाद क्या है, अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट है लाइम में तो क्या होता है, स्लेकिंग, स्लेकिंग लाइम की स्लो होती है, सेटलिंग की स्लो होती है। चलो चलो ठीक है, लाइम में इतना ही था, लाइम में इतना ही था और कुछ नहीं था, लाइम में इतना ही था और कुछ नहीं था, ठीक है। चलो तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। ये हैप्पी बर्थडे नव्या वाले कौन आ गए, नव्या का हैप्पी बर्थडे कहां से आ गया। चलो हाँ, तो अब बताओ, अब आपको कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ अब बताओ। अब क्लास कंप्लीट हो गई, बताओ। बुलबुल जी ने भी कमेंट कर दिया हैप्पी बर्थडे नव्या। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो नव्या केक काटने गई शायद, गाना गा दो। गाना यार आवाज बेकार है, साउथ के हीरो बस एक्टिंग करते हैं, गाना नहीं गाते, ठीक है।
अगला सब्जेक्ट कौन सा होगा आपका? अब वो तो देखो अभी टाइम बताएगा, ये भी जांच का विषय है ना। ऑटोकैड पढ़ना है, ऑटोकैड सर पढ़ाएंगे, ऑटोकैड अमित सर की स्पेशलिटी है तो अमित सर पढ़ाएंगे भी, ठीक है। डब्ल्यू आर ई के बाद में शायद वो ऑटोकैड ही पढ़ाएंगे। डब्ल्यू आर ई की क्लास लगातार चल रही है लेकिन वो यूट्यूब पर नहीं चल रही, फाउंडेशन बैच में चल रही है, ठीक है, फाउंडेशन बैच में चल रही है। ऑटोकैड अमित सर ही पढ़ाएंगे, ऑटोकैड अमित सर ही पढ़ाएंगे। नलायकों एलाइड ब्लाइड स्लाइड सब सीमेंट में आता है, सीमेंट तो आने दो, सीमेंट में आने दो, सीमेंट में आने दो। फैन जोन जो आप बातें पूछ रहे हो उनका क्या मतलब है, ठीक है, किसी का नाम यहां मत लो अभी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अमित सर गाते हैं तो अमित सर गाएंगे ना, अमित सर मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बुलबुल जी सर थ्योरी में इंपॉर्टेंट नोट्स कैसे बनाएं, थ्योरी में इंपॉर्टेंट नोट्स कैसे बनाएं, ये है काम की चीज, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नोट्स कैसे बनाएंगे, आपने लेक्चर ले लिया, ठीक है, और आपने क्वेश्चंस भी कर रहे हो, क्वेश्चंस देखो सबसे पहले तो आप मेरे हिसाब से अभी क्या है, अभी ऐसा टाइम है कि आप पूरे नोट्स नहीं बना सकते, आप पूरे नोट्स नहीं बना सकते क्योंकि 2 महीने बाद एग्जाम है। अगर आप नोट्स बनाने बैठोगे तो नोट्स ही बनाते रह जाओगे, एग्जाम निकल जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको एक कोई ऐसी बुक लेनी है, कोई ऐसी बुक जैसे होती है ना हैंडबुक के टाइप से, हैंडबुक टाइप से कोई हैंडबुक टाइप से बुक ले लो जिसमें कि पहले से ही नोट्स हो, उसमें हैंडबुक में इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है। और उसमें क्या करना है आपको, कोई भी चीज आपने कोई क्वेश्चन किया और वो हैंडबुक में नहीं दे रखा और वो इंपॉर्टेंट है, भाई कोई क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन पूछा गया तो वो इंपॉर्टेंट ही है, तो वो नॉलेज आपने क्या कर लेनी है, उसमें हैंडबुक में लिख लेनी है, या किसी कहीं और से आपने एक्स्ट्रा पढ़ा जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पूछ सकता है तो वो आपको उसमें लिख लेनी है, ठीक है। तो नोट्स तो आपको बने बनाए एक हैंडबुक ले लेनी है, उसी में रखने हैं, उसके अलावा कोई भी चीज आपको एक्स्ट्रा मिले तो वो बुक में लिख लो, बुक में जगह नहीं हो तो उसमें पन्ने जोड़ लो, ठीक है, पेज लो उसमें वो जोड़ लो। ऑटो कैड के लिए कहां देखना पड़ेगा, अब वो सर यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, फाउंडेशन बेच में पढ़ाएंगे, ये सारी बता सकते हैं, ठीक है, ये सारी बता सकते हैं। कब तक पूरा होगा टेक्निकल का कोर्स आपका, 15 मार्च तक हमारा टारगेट है पूरा कराने का, ठीक है। बाकी राजस्थान जीके थोड़ी सी खिंचेगी, वो मार्च मार्च में कंप्लीट होगी, पूरे मार्च में, पूरे मार्च में कंप्लीट होगी, बाकी टेक्निकल का आपका 15 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए फिर गाना हम कभी फिर सुनाएंगे, अभी हमको थोड़ा याद नहीं है ना। हाँ पूरा राजस्थान जेएन का लेवल चल रहा है, पूरा राजस्थान का लेवल चल रहा है, बीएमसी कंप्लीट कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बीएमसी कंप्लीट कराएंगे। पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की क्लासेस कब होंगी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की क्लासेस हो चुकी हैं फाउंडेशन बैच में, ठीक है, फाउंडेशन बैच में हो चुकी हैं, फाउंडेशन बैच में हो चुकी हैं। फैन जोन जी एक बार आप अपना नाम और बताइए हमें, आपका नाम जानने की हमारी तहे दिल से इच्छा है। फैन जोन जी आप अपना नाम बताएं, जीके का क्या करें, जीके को पढ़ो, जीके को जितना ज्यादा पढ़ सको पढ़ो। हाँ अच्छा वाला गाना सुनाएंगे आपसे, हम पहले पूछेंगे कौन सा गाना को सुनाना है, फिर उसके बाद में वही गाना सुनाया जाएगा, ठीक है। देखो याद कम होती है जीके, तो जीके देखो जीके में होता है इंटरेस्ट, जीके तो इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, आप जितना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे उसमें चीजों को, मतलब देखो हिस्ट्री है तो राजा महाराजाओं की लड़ाई हुई है तो उनको आप एक मतलब फील करो, क्या करो फील करो, नहीं सॉरी की बात नहीं है, सॉरी की कोई बात नहीं है, बस मैं तो ऐसे ही क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप जानते हो मेरे को पहले से, ठीक है, तो उस वजह से मैं आपका नाम जानना चाह रहा था बस, ठीक है। सोम के क्वेश्चन कब स्टार्ट होंगे, वो भी बहुत जल्दी होंगे, ठीक है, सोम के क्वेश्चन भी जल्दी स्टार्ट होंगे। अभी कितने कंप्लीट हो गए, तो वो तो आप देखो ना फाउंडेशन बैच में आपको पता ही है, उसमें आप गिन लो कितने कंप्लीट हो गए। लैम सिलेबस में है, लैम सिलेबस में है, ठीक है, लैम सिलेबस में है, बताओ। श्रीवल्ली वाला गाना उसको याद करना ही बड़ा मुश्किल है, चलो मैं याद करके आऊंगा फिर सुनाऊंगा, ठीक है, कच्चा बादाम। चलो ठीक है, तुलसीराम मीणा, अच्छा तुलसीराम मीणा मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, हल्का हल्का,
शायद जानता हूं तुम्हें। चलो बहुत बढ़िया, तो आज इतने रखते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे हम कल की क्लास में, आज के लिए गुड नाइट, और अभी एडवांस में आपको सबको हैप्पी महाशिवरात्रि, बम बम बोले, ठीक है, चलो, हाँ बम बम बोले, चलो ठीक है, गुड नाइट। हाँ पूरा करा देंगे, ठीक है पूरा करा देंगे, थैंक यू, गुड नाइट। जय महाकाल।